हाय बच्चों, आज मैं क्लास 12th में युग्मन रिएक्शन यानी कि युग्मन अभिक्रिया या कपलिंग रिएक्शन क्या होती है बताने जा रहा हूँ। आपके एनसीईआरटी में दो एग्जांपल आपको पढ़ना है जो कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ फिनाल या एनिलीन की अभिक्रिया कराते हैं तो रंजक बनता है या डाई बनती है, उसे हम युग्मक अभिक्रिया या कपलिंग रिएक्शन कहते हैं। और आप कुल दो ही डाई नहीं होती या रंजक नहीं होते, कई सारे हैं, लेकिन आपके पेपर में जो आपके सिलेबस में दो ही आपको पढ़ना है। एक तो पढ़ना है कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ फिनाल का अगर अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का एनिलीन के साथ कराते हैं तो क्या बनता है। सबसे पहले युग्मन अभिक्रिया की डेफिनेशन भी यूपी बोर्ड में आ जाती है या सीबीएसई बोर्ड में, सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, पर इसकी डेफिनेशन देखिए इसमें लिखेंगे, जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड 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 इसका फार्मूला होता है C6H5N2Cl। ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का सूत्र होता है। जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया फिनाल या एनिलीन के साथ कराते हैं तो एक रंजक का निर्माण होता है। रंजक या इसी बोलते हैं डाई का निर्माण होता है, निर्माण होता है जिसे युग्मन अभिक्रिया कहते हैं, युग्मन अभिक्रिया कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। सबसे पहले आप जो डिफिनेशन लिखा है कि जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, कोई भी डाई बनाएंगे तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ये आपके लिए जरूरी है। इसके साथ अगर हम फिनाल का रिएक्शन कराते हैं तब भी आपका डाई बन जाएगा, रंजक बन जाएगा। एनिलीन का कराएंगे तब भी डाई या रंजक बन जाएगा, यही युग्मन अभिक्रिया कहलाती है। इसके अतिरिक्त भी कुछ कंपाउंड होते हैं जिसका रिएक्शन आप करा सकते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में जो है यही दो के साथ कराया जाता है। तो कभी कभी आपको डेफिनेशन में भी दे दिया जाता है, या आप ये भी लिख सकते हैं कि जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया फिनाल के साथ कराते हैं क्षार की उपस्थिति में तो वह एक रंजक का निर्माण करता है और यह ऑरेंज कलर या नारंगी कलर का होता है जिसे हम युग्मन अभिक्रिया कहते हैं, लेकिन आप एनिलीन के साथ कराते हैं तो पीला कलर देता है। तो यहाँ पर परिभाषा आपको इसके रेस्पेक्ट में लिखेंगे तो अलग लगता है, इसके रेस्पेक्ट में तो अलग लगता है। ये एक कॉमन परिभाषा है, एग्जाम्पल के हिसाब से आप समझेंगे कैसे होता है। सबसे पहले हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाएंगे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड यह बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2Cl इसकी अभिक्रिया आप कराते हैं। पहला उदाहरण है डाई बनाने का, यानी कि जो युग्मन अभिक्रिया है कपलिंग रिएक्शन है इसके द्वारा रंजक या डाई का निर्माण करते हैं। इसमें क्या होता है कि जब एक तो रहेगा ही बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इसका नाम क्या होता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड
या इसको डायजोनियम साल्ट भी बोलते हैं। इसका रिएक्शन अगर हम फिनाल लेते हैं, पहला उदाहरण फिनाल के साथ करा देते हैं, तो फिनाल आप देखेंगे ऐसे, फिनाल के साथ कराएंगे OH जो बेंजीन रिंग होगी, इसके साथ आप OH ग्रुप अगर आप जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है आपका फिनाल। फिनाल आपका फिनाल हो जाता है। अब इसमें जब आप इसका रिएक्शन कराते हैं, इधर स्पेस नहीं इसलिए आप कर देते हैं ऐसे, ये क्षार की उपस्थिति है, जैसे हम NaOH ले लेते हैं NaOH, या आप कह सकते हैं इसका जो pH होता है वो लगभग कितना होता है 9 to 10 इसका pH होता है। तो यहां से आपका Cl जो है निकल जाता है OH के साथ, इसे निकाल लेंगे आप। और ये जब जो एजो कंपाउंड है इसके साथ जुड़ जाता है, यानी कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ऐसे बनेगा, जैसे प्रोडक्ट जो बनेगा आपका एन डबल बॉन्ड एन, ये हो गया एजो कंपाउंड। ये जो कंपाउंड हो गया, यानी थोड़ा सा और यहां पे OH ग्रुप हो जाएगा। अब इसका नाम क्या है ये देखना है, यानी कि बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन आप करा रहे हैं किसके साथ, फिनाल के साथ, और उपस्थिति किसकी होगी, क्षार की, यानी कि क्षार की उपस्थिति होगी, तो एक कंपाउंड आपका बन जाएगा। जो प्रोडक्ट बन रहा है आपका ये बन जा रहा है आपका, इसका नाम क्या होगा देखिए आप, इसका नाम है पैरा हाइड्रॉक्सी। ये क्या है, पैरा पोजीशन पे, यानी कि ये मेन ग्रुप क्या है, एजो है, इसके रेस्पेक्ट में देखेंगे आर्थो होता है, मेटा है, ये पैरा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पैरा हाइड्रॉक्सी एजो बेंजीन, पैरा हाइड्रॉक्सी हाइड्रॉक्सी एजो बेंजीन, पैरा हाइड्रॉक्सी एजो बेंजीन बन जाएगा, जिसका कलर होता है नारंगी। जो डाई बनेगी इसका रंग कैसा होगा, नारंगी कलर का होगा। ये पूछा जाता है कि डाइट या तो कलर दे जाएगा कि नारंगी जो होता है वो किसके किसके रिएक्शन बनेगा, जब बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड किसके साथ रिएक्ट करेगा, क्रिया करेगा कि नारंगी कलर का डाई बनेगा, तो होता है पहला उदाहरण आपका। दूसरा उदाहरण आपको अभी लिखाएंगे, पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका पहले आप बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड लेंगे, कोई भी डाई बनानी हो, और उसके साथ अगर फिनाल का करा देंगे तब भी डाई बन जाएगी, एनिलीन का करा देंगे तब भी डाई बनेगी, लेकिन रंग अलग हो जाएगा। देख लीजिए पहले इसको, अब देखिए ये पहला उदाहरण था। दूसरा उदाहरण देखिए, इसमें हमने कहा कि जब भी डाई बनाना, युग्मन अभिक्रिया कपलिंग रिएक्शन में एक जो रिएक्टेंट होगा जो होगा, पहले क्या होगा, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड होगा, डायजोनियम साल्ट। अब देखेंगे इसमें कि दूसरा एनिलीन के साथ करा दीजिए, एनिलीन NH2
इसका नाम होता है एनिलीन, इसका नाम है एनिलीन। और ये जब रिएक्ट करेगा, इसका कपलिंग रिएक्शन होगा, तो ये क्या प्रोडक्ट बनाता है आप देखेंगे, ये होता है अम्ल की उपस्थिति में, एक किसमें होगा अम्ल के, यानी कि एच प्लस हो जाएगा, यानी कि पीएच जो होगा इसका 4 से 5 होगा। जो पीएच की वैल्यू रखेंगे क्या रखेंगे हम, 4 से 5। इसका जो प्रोडक्ट होगा सेम आप ऐसे करें, कल जो यहाँ बांड लगा हुआ है इसका नाम होता है डायजोनियम साल्ट है, यहाँ पे सीयर हट जाता है, यहाँ पे सीधा सीधा दोनों बेंजीन रिंग जुड़ जाती है, यानी कि यहाँ प्रोडक्ट जो बनेगा आपका, पहले ऐसे बना लेंगे हम, जहां पे एजो माने एन डबल बांड, यानी ये एजो दूसरा इसी से जुड़ जाएगा आपका, ये हो जाए। और यहां पे जो एनिलीन ग्रुप है यानी कि NH2 एमिनो ग्रुप जो बोलते हैं या एमीन ग्रुप, ये यहां पे लगा रहेगा। तो ये भी क्या है, पैरा पोजीशन पे ही है, पैरा इसका नाम क्या हो जाएगा, पैरा एमिनो एजो बेंजीन, एजो बेंजीन। और इसका जो कलर होता है ये होता है आपका येलो, यानी कि कैसा होगा, ये पीला कलर का होगा, ये आपको याद रखना है। ये भी एक डाई बनी है, ये पीला कलर का डाई हो गया, यानी कि इसमें क्या याद रखना है, ये कौन सा हो गया, पैरा एमिनो, पैरा एमिनो एजो बेंजीन, एजो बेंजीन, पैरा एमिनो एजो बेंजीन। एक पीले कलर की डाई होती है, ये क्या है, एक रंजक, रंजक, ये रंजक है। आप दो डाई पर ले युग्मन अभिक्रिया में, एक बेंजीन डाइजियम क्लोराइड के साथ फिनाइल का कराते हैं तो किस कलर का होता है, नारंगी कलर का। अगर ये आप एनिलीन के साथ कराते हैं तो ये कैसा होता है, पीले कलर का। इसका कलर भी आपको याद रखना है, ये पीले कलर का है, अब फिनाइल के साथ कराते हैं तो वो ऑरेंज कलर यानी कि नारंगी कलर का है। सबसे पहले और भी उदाहरण है, आप चाहें तो यहाँ पे एनिलीन का जो अभिक्रिया करा रहे हैं इसके साथ बेंजीन डाइजियम क्लोराइड के साथ, तो जो ये दो एच लिखा है इसको हटा करके मेथिल ग्रुप से रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि इसका क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यहाँ दोनों एच हटाइए, दो मेथिल ग्रुप जोड़ करके भी अगर आप इसकी क्रिया कराते हैं कपलिंग रिएक्शन, तो यहाँ पे एक डाई बन जाएगी। लेकिन आपको मेन यही रहता है, मेन दो रिएक्शन जो लिखी जाती है, ये दोनों ये छटाने के बाद जो लगता है वो भी डाई बन जाती है, लेकिन आपको चार डाई होती है आप में, लेकिन आपके सिलेबस में कुल दो ही डाई है, एक एनिलीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं और दूसरा फिनाइल के साथ कराते हैं। तो आपको कपलिंग रिएक्शन युग्मन अभिक्रिया पूछा जाए तब क्या कहेंगे, सबसे पहले दिमाग में रखना है कि कपलिंग रिएक्शन या युग्मन अभिक्रिया में डाई या रंजक का निर्माण होता है, जिसमें हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया जो है हम कराते हैं किससे, फिनाइल से तो नारंगी बनता है, एनिलीन से कराते हैं तो पीले कलर का डाई बनता है। कैसे बनता है, पूरी प्रक्रिया है, और आपको यही दो रिएक्शन याद करके जाना है। थैंक यू, धन्यवाद।